सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो को मैं अपने रूम में बना रहा हूँ बिकॉज गाइज मेरे पास कंटेंट नहीं है अभी कुछ डालने के लिए, सीरियसली बता रहा हूँ। और एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, एक आप लोगों के लिए बैड न्यूज है। नहीं, गुड न्यूज दो है आप लोगों के पास, बैड न्यूज सिर्फ एक है। बैड न्यूज जो है वो ये है कि अभी बाइक को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन के अराउंड। और गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि उसको काफी सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट इंजन पूरा रेडी हो चुका है और उसमें सीट्स वापस लग गई हैं। सिर्फ हमें चाहिए उसकी फेयरिंग, मतलब पूरी बॉडी फिट चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत हाथ पर मार रहा हूँ, जितनी जल्दी अरेंज हो जाएगी। आप ये मान के चलो अगर फेयरिंग जो है, मतलब बॉडी किट अगर मुझे आज मिल जाती है तो 3 दिन के अंदर हम बाइक रेडी कर देंगे। तो अब वही वेट है कि बॉडी किट कितनी जल्दी मिलती है। उसमें टैंक वैक हमने लगा चुके हैं जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखा दूंगा, तो जो भी नए बंदे होंगे वो रुके रहना। बाकी गाइज, आज मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम, मैंने सिर्फ एक रील में हल्की सी झलक डाली थी हेलमेट की, तो मैं आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ कि हेलमेट का क्या हुआ था उस दिन और हेलमेट ने मुझे किस मतलब मैं जो सेफ हुआ वो हेलमेट की वजह से हुआ, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और हेलमेट की क्या कंडीशन है वो हम लोग इस व्लॉग में देखने वाले हैं। तो गाइज ये रखा है मेरा हेलमेट, ये मेरा हेलमेट है जो मैं यूज करता था, ये आप लोगों को पता भी होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये है मेरे ग्लव्स, आप लोगों को पता है, देखो जो भी वो इंसिडेंट हुआ था उसमें मेरे हाथ में इंजरी आई थी, ठीक है। इंजरी में मेरा हाथ काफी हद तक ठीक हो चुका है, मैं इसे मूवमेंट में भी मुझे कोई दर्द नहीं है, बट ये वाली जो उंगली अभी भी इसमें हल्का सा है, हल्का थोड़ा बहुत है, वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मेरे स्टिचेस आए थे और इधर आए थे। अब वो स्टिचेस क्यों आए थे, क्योंकि गाइज जो मेरी बाइक का इम्पैक्ट आया है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ग्लव्स ना मैंने इस तरीके से पहना हुआ था और जो मेरी बाइक में इम्पैक्ट आया वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब पूरी फेयरिंग और हेडलाइट के साथ साथ पूरा लेफ्ट हैंड साइड गया है पोर्शन। और ये मैंने मतलब ग्लव्स पहन के मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था हाथ, तो सारा इम्पैक्ट इधर ही आया, इसी वजह से इस हाथ पे चोट लगी, इस पे कुछ नहीं हुआ था। और ये लगी क्यों थी, क्योंकि जो इसका ये प्रोटेक्शन था ये निकल गया था और ये इसकी हालत कुछ ऐसी थी, ग्लव्स की हालत है ये, ठीक है। सेकेंड जो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा हेलमेट। हेलमेट के लिए मैं आप लोग को पहले भी बोलता हूँ, मेरी काफी ब्लॉग्स में भी मैंने बोला है कि आप लोग अगर आप लोग राइडिंग करने का शौक रखते हो तो आप लोगों को अपने गियर्स पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो क्यों करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इस हेलमेट से पहले मेरे पास एक और हेलमेट था। इस हेलमेट की कॉस्ट अराउंड 7-8,000 की है और सारी एसेसरीज लगा के 9-10 हजार रुपए का आराम से जाता है। और इससे पहले जो मैं हेलमेट यूज करता था वो था मेरे का एक्सोर का, वो 5,000 रुपए का आता है, बट वो बहुत लूज था, उसकी पैडिंग लूज हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको मैंने हटा दिया और ये वाला हेलमेट मैंने नया लिया, ठीक है। अब इस हेलमेट को लेने से मुझे क्या फायदा हुआ वो मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, यही बहुत बड़ा फायदा है। और इसका जो हम डैमेज देखेंगे तो आप लोगों को मैं आगे से दिखाता हूँ। पहली चीज का वाइजर वहीं पे गिर गया था, बट जो मेजर डैमेज था वो यहाँ का। अब आप लोग इसे ध्यान से देखो कि एमटी का हेलमेट इतना अच्छा ब्रांड है जो कि चटका है, पहली बात फोर्स बहुत था, अच्छे मतलब ठीक ठाक एक्सीडेंट हुआ है मेरा, जो मैं मानता हूँ, ठीक है मेरा बहुत अच्छा एक्सीडेंट हुआ है, बट जो मुझे सेव करा है, चाहे चटक क्यों ना गया हो, एक हेलमेट की एज आपको एक ही बार एक्सीडेंट से सेव करती है। अगर आपको उस हेलमेट, आपने जो भी हेलमेट वेयर करा हुआ अगर वो अच्छा है, एक मेजर एक्सीडेंट में आपको बचा देगा, बट उसके बाद आप उसे यूज नहीं कर सकते, जो कि मेरे साथ हुआ है, मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग इसको पास लेके आओगे तो ये देखो शीशे में ना यहाँ पे डॉट हुआ है, मतलब कि कोई नुकीली चीज ने आर पार करने का ट्राई करा जिसकी वजह से हेलमेट फटा और मेरा जो हेड बचा है वो इस शीशे की वजह से बचा है, क्योंकि यही शीशे में इतना ज्यादा डॉट हो रखा है कि मतलब काफी प्रेशर से कुछ चीज इसमें लगी है, जिसकी वजह से ये मैं आज तुम लोगों के पास सामने ठीक ठाक सही सलामत खड़ा हूँ, वो सब कुछ है गाइज इस हेलमेट की वजह से। तो एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, देखो इंडिया में AGV भी मिलता है बट AGV की मैक्सिमम कॉपीज आती हैं, एक MT ही ऐसा ब्रांड है जो कि अच्छा हेलमेट इस समय मैं प्रोवाइड कर रहा था। तो नया हेलमेट तो मैंने ऑफकोर्स लेना ही है, जब बाइक ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मैं सबसे पहले हेलमेट बोरो करूंगा। अब देखते हैं कि मैं कौन से वाले ब्रांड की तरफ जाता हूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं कौन सा हेलमेट का ब्रांड लूँ, आप लोग वो चीजें कमेंट में लिख देना। सेकेंड मुझे आप लोगों से एक सपोर्ट और चाहिए, हेल्प और चाहिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम लोगों को निंजा 1000 2015 का मॉडल, उसकी पूरी बॉडी किट चाहिए गाइस, ठीक है, पूरी बॉडी किट, पूरी बॉडी किट में आगे का हेड से लेके पीछे की टेल, हर एक चीज हमें चाहिए।
अगर कोई भी मेरा भाई जो कहीं पुणे मुंबई या दिल्ली कहीं से भी देख रहा हो और उसकी नॉलेज में कोई हो जो मैकेनिक हो जो बिल्कुल ठीक मतलब सामान वामान अरेंज करवा देता हो सुपर बाइक्स के, तो आप लोग प्लीज मुझे बताओ ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी उन सब चीजों को बोरो कर सके और अपनी बाइक को वापस सड़क पर उतार सके। तो गाइस मुझे तुम लोगों की बहुत बहुत ज्यादा इस समय हेल्प चाहिए, मुझे फुल बॉडी किट चाहिए, निंजा 1000 2015 का मॉडल, ठीक है? जैसे ही मेरे हाथ में वो बॉडी किट आएगी 3 दिन के अंदर बाइक सड़क पे होगी, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बाकी का अगला व्लॉग अब मैं आपको चांद की दुकान पर दिखाऊंगा कि हमारी बाइक में अभी तक क्या क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बताऊँ वो, चलो मैं आप लोगों को ना वहीं पे चल के बताऊंगा, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करो। और ये है हमारे कुछ हेलमेट की कंडीशन जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई, ये यहाँ से मेरा जो हेड है वो सेव हुआ है बहुत ज्यादा। इस हेलमेट को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ बट हमारा डील चल रही है एमटी ब्रांड से, तो हमें इस हेलमेट को उसको वापस भेजना पड़ेगा। तो गाइज अब आपको मिलते हैं सीधे चांद की दुकान पे, 2-3 मिनट की वहां पे वीडियो बनाएंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, या इसको आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगा, ये वाली जो चीज मैं आप बोलने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस एक और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, वो गुड न्यूज ये है कि जब मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ उससे एक संडे पहले ही तुम्हारे भाई ने तुम लोगों के लिए मार्केट रिएक्शन ब्लॉग बनाया था जो अभी तक हम लोगों ने नहीं डाला, वो एडिट हो चुका था, सिर्फ डालने की देर थी, उसी रात हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमें अगले दिन वो डालना था। तो वो व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ है, पूरा प्रॉपर व्लॉग है वो, जिसमें तुम लोगों ने इतना सपोर्ट करते हो। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं मार्केट रिएक्शन कब डालू, आज डालू, कल डालू, परसों डालू, जब भी आप लोग जब भी बता दोगे तो हम तब डाल देंगे। वैसे जो मेरा मन है कि हम लोग मार्केट रिएक्शन संडे को डालेंगे, बाकी आप लोग बताओ, अगर आप लोगों को जल्दी चाहिए तो हम उसे जल्दी लॉन्च जल्दी ड्रॉप कर देंगे। सो गाइस जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं बाका के पास आके आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या अभी तक काम हुआ है, तो अब चलते हैं अंदर। तो ये खड़ा है अपना बाका, चेक कर सकते हो आप, अब थोड़ा सा जाके ठीक लग रहा है जैसे इसकी पहले हालत थी, तो अब तो काफ़ी बेटर लग रहा है। टैंक हमने नया लगा दिया है और एलॉय हमने नया लगा दिया है, पीछे का एलॉय ठीक था, इंजन का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रेडिएटर हमने इसमें फिट कर दिया है। आगे का स्ट्रक्चर का काम अभी होना है जो कि तब होगा जब फेयरिंग का हेड आएगा, तो ये तब करवा देंगे, अभी इसमें रेडिएटर लग चुका है गाइस, ये चेक कर सकते हो, और एग्जॉस्ट हमने लगा दिया है। तो अब मैं जो आप लोगों को आवाज सुनाने वाला हूँ उसको सुन के पहली बार मेरे दिल में इतना अच्छा लगा था, क्योंकि विद एग्जॉस्ट आज 13 तारीख है, कल 12 थी, 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है हम लोगों को इसकी आवाज सुने हुए। तो गाइज प्लीज अब आराम से बैठ जाओ बिकॉज अब आपको इसकी आवाज सुनने वाली है, ठीक है? तो गाइस इंजन फुल्ली वर्किंग है विद एग्जॉस्ट, कोल स्टार्ट होगी, कोल स्टार्ट अभी तक हमने किए नहीं है क्योंकि इसकी पैकिंग अभी तक पूरी हुई नहीं है, तो पैकिंग हम करेंगे। तो अब आप लोग साउंड चेक करो, भाई साहब ये साउंड है गाइस बाका का, ये चेक करो, ये ओरिजिनल साउंड है बाका का यार, सिर्फ इंजन की फिटिंग होनी है, पैकिंग होनी है प्रॉपर, और इंजन भी हमें ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब हम लोगों ने इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर दिया है, अब इसका फेयरिंग का काम है गाइस, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा तड़प रहा हूँ उसको फेयरिंग को आने के लिए, तो फेयरिंग फटाफट डन करते हैं। और जिस दिन मेरी फेयरिंग वापस आएगी गाइस उसके ठीक 3 दिन के बाद बाका फाइनली सड़कों पे होगा। आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि अब आने वाला रैप हम सेम रखें या फिर चेंज करें, तो वो लोग आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बी सेफ, राइड सेफ एवरीवन, और गियर्स हमेशा वेयर करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।